Mumbai. आइए आपको लेके चलते हैं जुहू बीच। हाँ जी रमन जी, गुड मॉर्निंग। गुडली मॉर्निंग। आज सुबह सुबह जॉगिंग, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ, अगर ये ना हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा रमन जी, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, मॉर्निंग वॉक। ये बताइए कि ये सारी चीजें भी हमारे प्लैनेट से जुड़ी हुई है, क्या इनका भी कोई एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन है? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि मंगल ग्रह इस स्पोर्ट्स का मालिक है। सचिन सचिन क्यों है, धोनी धोनी क्यों है, क्योंकि मंगल ग्रह बहुत उच्च के हैं, बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं, देखिए मोस्टली लोग हेल्थ इश्यू को लेके बहुत ज़्यादा एक मेडिकली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक की तरफ चल रहा है, कोई होम्योपैथिक की तरफ चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मंगल ग्रह जैसे मैंने बताया है, कुंडली के अंदर एक दोष होता है जिसे बोलते हैं मंगल और राहु। मंगल राहु जिसे बोलते हैं अंगारक दोष, ये बहुत ही भयानक दोष है। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जड़ से उठ जाए कुंडली में से, तो आपको वॉक करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, शरीर की एनर्जी को बर्न करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा आप देखिएगा, जिन लोगों का मंगल राहु इकट्ठा होगा उनके स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन होगा, बहुत गुस्से वाले, बहुत गर्मी वाले, तो उस गर्मी को कैसे ख़त्म किया जाएगा? यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, सैर है, वॉक है। अच्छा एक बात और बताइए, आज क्योंकि हम समुद्र किनारे वॉक कर रहे हैं, क्या इसका भी कोई अलग से बेनिफिट है? समुद्र क्या है? समुद्र है पानी। पानी क्या है? पानी जो ग्रह के साथ है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा को अगर आप चाहते हैं सही हो जाए, समुद्र जैसे मैंने बताया है इसका बहुत गहरा रिलेशन है। एक ताजी हवा, एक एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली चेंज कर देगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग समुद्र के किनारे नहीं रहते हैं या उनको सैर करने के फायदे नहीं हैं, बहुत फायदे हैं। देखिए हेल्थ इज वेल्थ ये बोला गया है, लेकिन जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें कहा जाता है कि एक पंथ दो काज, एक चंद्रमा को सही कर लेंगे, ताजी हवा मिलनी शुरू हो जाएगी और सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। ये दोनों चीजें जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा है, टिप्स और फायदे। तो इसका मतलब तो ये है रमन जी कि सुबह की मॉर्निंग वॉक जो है वो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, है? बहुत बहुत ज्यादा। अगर हम सुबह उठ के नहीं चलेंगे, नहीं भागेंगे, नहीं दौड़ेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यही चीजें आपकी लाइफ के अंदर हेल्थ इश्यू खड़े करती है, जो बहुत हो सकता है कुंडली के अधीन होकर कई बार हम उपाय लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो उपाय वर्क न करते हो, काम न करते हो। तो मतलब ये मॉर्निंग वॉक जैसी चीज भी प्लेनेट से जुड़ी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको अगर हम मान के चलेंगे तो ये मंगल ग्रह के साथ इसका बहुत गहरा रिलेशन है। मंगल जो स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा माना जाता है, आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम इस चीज को लेके चलेंगे तो मंगल ग्रह ही इस चीज का मेन मालिक, मेन ग्रह है। तो इस चीज को पॉजिटिवली लेके चलें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत भारी भरकम उपाय करें, पैसे पे करें,
सुबह उठिए, आइए जुड़िए और इसका आनंद लीजिए और देखिए यही मंगल आपको बहुत ही फायदा, बहुत ही अच्छा प्रभाव देना शुरू कर। तो एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि ये प्लैनेट से जुड़ी चीजें हैं, तो एक मेरे को चीज समझ नहीं आती, बहुत से लोग तो चलो आते हैं वॉक भी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वॉक कर ही नहीं पाते, मन तो करता है उनका लेकिन रात को सोते तो सुबह उठ नहीं पाते, वो क्या करें? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 24 आवर्स के अंदर आपने एक शेड्यूल बनाया होगा, रूटीन होगी, बिजनेस को भी तो समय दे रहे हैं, फैमिली को भी तो समय दे रहे हैं, तो फिर ये कैसे अपने शरीर को आप समय क्यों नहीं दे पा रहे, मेरे को ये बताइए सबसे पहले। ये बहुत ही अपने आप में, देखिए बोला जाता है मंदिर जाएं, मंदिर को स्वच्छ रखें, ये करें वो करें, तो शरीर क्या है? एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है वो भी एक मंदिर है, अगर आप उसे सजा के रखेंगे, बना के रखेंगे, तो यही मंदिर आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा और बहुत ही ज्यादा आपको फायदा इससे मिलेगा। आइए आपको नारियल पानी पिलाते हैं। देखिए नारियल पानी जो अपने आप में बोला जाता है नेचर की गोद से, वो चीज़ है जो हमें, मैं तो बोलता हूँ कि नेचर हमारे ऊपर कितनी मेहरबान है, जिसने हमें इतने तोहफे दिए हैं, रत्न दिए हैं, नेचर ने हमें ये ऐसे फल फ्रूट सब्जियाँ दी हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। लेकिन बात हो रही है नारियल पानी की, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ अगर आप चंद्र और केतु के साथ इस चीज़ को कॉम्बो करेंगे, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्र केतु इकट्ठा है, योग है, तो नारियल पानी उनको पीना चाहिए, उनका उपाय है। और जो बहुत ही अच्छा उपाय है, मैं तो मान के चलता हूँ कि अगर आप इसे वन वीक, आफ्टर वन वीक, वीकेंड में या जैसे भी आपको इजी लगे पीना शुरू कर देंगे, तो लाइफ 100% चेंज होगी। तो चलते चलते ये हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, यही कारण है, इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम फंसे हुए हैं चार्ट के अंदर, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, वो जबरदस्ती वाले उपाय में। देखिए रमन जी, आप बात कर रहे हैं चलते चलते एस्ट्रोलॉजी की, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं आप। आपको नहीं लगता कि अगर हम ये सब करने लग गए तो सारा दिन हमारा इन्हीं कामों में लग जाएगा? काम कब करेंगे? अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, आप समोसा खाते हैं, हाँ, पनीर खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि मैंने 500 कैलोरीज ले ली, मैंने 600 कैलोरीज ले ली, तो वो तो आप काउंट करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी 2400 घंटे यही सोचते रहे ये है वो है, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब है सम टिप्स जो आप चलते चलते अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कलर थेरेपी है, मैं बोलता हूँ कलर्स अच्छा पहनेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो इसी तरह अगर आप सुबह क्या बोलते हैं, दही खाएं, दूध पिएं, तो वो क्यों बोलते हैं? एनर्जी की एनर्जी हो गई, उपाय का उपाय हो गया। तो यही चीज़ें तो हम क्लियर करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ छोटे छोटे टिप्स हैं, आप फॉलो करिए, लाइफ चेंज। थैंक यू रमन जी फॉर द लवली टिप्स। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है अजमेर।